तो अभी बराबर 4 बज चुका है, मैं आप लोग को सुबह दे चुका था, लाइव आऊँगा 4 बजे को। अभी मैं नागा ब्लिस में हूँ और मैं तुंग चेक पुस्तक का जो रास्ता का हालत दिखाने वाला आप लोग को, शायद हो सके तो इस साल तक, एक साल तक आप लोग को ये रूट यूज़ करना पड़ेगा और नॉर्थ सिक्किम जाते पर। अभी जो पहाड़ी में जो कुछ मुकुट जैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो टेम्परेरी रोड है, इससे ऊपर एक जो नया रोड बन रहा है नागा फॉल से ऊपर, जो नागा फॉल्स आप लोग को इस रूट से जाते वक्त देखने मिलता था, अभी नागा वाटरफॉल्स देखने नहीं मिलेगा। और फिलहाल ये इस रूट से आप लोग को लाचिंग का तरफ जा रहे हैं तो आप लोग नहीं जा सकते ऊपर का तरफ, आप लोग को शाम का टाइम में वापस में सिर्फ आने मिलेगा। जैसे 24 आवर्स ये जो खुला है जो लोकल पीपल लोग के लिए आने जाने के लिए, जैसे टूरिस्ट लोग के लिए आगे से चिप गियर होके जाना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा का रूट दूसरा लेके आप लोग को वन वे करके रखा है यहाँ पर, मतलब तुंग चेक पोस्ट तक आप लोग को दूसरा चिप गियर रास्ता होके जाना पड़ेगा। जैसे लोकल पीपल लोग के लिए इसलिए खुला है कि लोकल पीपल लोग का गाड़ी उतना नहीं चलता है लाचिन लाचुंग का, इसलिए इसी रोड से जाने को आने को मिलेगा। ये 24 आवर्स ही खुला रहता है। ऐसे तो अभी शाम को शायद यहाँ पर बारिश हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आप लोग को दिखाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ, तुंग चेक पोस्ट तक ले जाऊँगा। क्योंकि जो पुराना रोड है, ये पहले वाला रोड ऐसे था, जब से फ्लैश फ्लड हुआ है उसका कारण से नीचे जो मेन जो जॉक रहता है वो जॉक खींचने का कारण से रोड सारा अभी यहाँ पर जो खराब है। तो एक साल तक आप लोग को ये रोड यूज़ करना पड़ेगा। कुछ ये जो एनिमल्स वगैरह ऐसे रास्ते वगैरह में क्रॉसिंग मिलता है कहीं ना कहीं आप लोग चलते वक्त, इसलिए सारा सिक्किम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के जो एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए सारा कंचनजंगा नेशनल पार्क बोल के। तो मैं जल्दी जल्दी करके आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता नॉर्थ सिक्किम का तरफ जाने के लिए रोड कितना ख़राब है। ऐसे तो बहुत कमेंट करता है कि टूरिस्ट लोग के लिए इस रास्ते से क्यों नहीं जाने देता है। मेन कारण ये है कि रास्ता ख़राब है, टूरिस्ट का मैक्सिमम 200 से 300 व्हीकल इस रूट से चलता है। अगर 200-300 व्हीकल चलेगा दोनों तरफ जाम हो जाएगा, और रिस्क की जो जगह भी है यहाँ पर पत्थर वगैरह गिरता है, ये जो आगे में देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ऐसे पत्थर अगर गिर पड़ा तो बसना शायद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो वन वे करके रखा है टूरिस्ट लोग के लिए, ये जो लोकल पीपल लोग के लिए दोनों साइड, जैसे टूरिस्ट लोग भी आ सकते हैं इस रूट से, जैसे आप लोग लाचुंग से वापस गेंटो का तरफ आते हैं तो शाम के टाइम में आप लोग को 4 बजे से खुला रहेगा। 4 बजे से पहले आप लोग को शायद आने नहीं देगा, 4 बजे का बाद ही आप लोग को यहाँ से आने देगा, क्योंकि दोनों तरफ जो लोकल पीपल का गाड़ी चलता है, अभी जो आगे जितना भी जा रहे हैं लोकल पीपल का गाड़ी, और ये ऊपर का तरफ में देख ही सकता पूरा पहाड़ी, मतलब ऊपर में नया रोड बना रहे हैं, तो बारिश हो गया तो रोड, ये रोड भी कंफर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना मतलब खास ऐसे मिट्टी वगैरह नहीं है, सारा कच्चा मिट्टी, ऊपर से कभी भी गिर सकता है। मैं लाइव बोल रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग को उतना अच्छा समझा नहीं पा रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ लोग भी है और मैं लोकल पीपल लोग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाचुंग जाके ड्रॉप करके फिर मेरे को वापस आना है, तो इसलिए मैं आप लोग को वही खींच खींच के दिखा के ले जा रहा हूँ। हो सकता है 15-20 मिनट का वीडियो भी हो सकता है। जो आगे वाला मैं टुंग चेक पोस्ट जो ब्रिज दिखाई दे रहा है सारा टूटा हुआ है, यहाँ से जो रोड जाता था पुराना रोड आगे में, मतलब चेक पोस्ट था, वो चेक पोस्ट मतलब आधा ब्रिज सभी फ्लैश फ्लड होने का कारण से ले गया। ये नदी का मैक्सिमम भी अभी जो हम लोग ये रोड में चल रहे हैं यहाँ पर नदी से हाइट मैक्सिमम 500 से 600 फीट ऊपर है, थोड़ा आगे में मतलब 300 से 400 फीट तक ऊपर में जो नदी आ गया था, इसलिए ब्रिज आधा ले गया, यहाँ का चेक पोस्ट वगैरह भी ले गया। अभी रोड ही नहीं, अभी जस्ट ये जो ब्रिज है, अभी जो गाड़ी जा रहा है आगे से एक नीचे वाला जो न्यू ब्रिज बना रहा है, आप लोग जैसे ऊपर से जो नया रोड आएगा, ये जो अभी कटिंग दिख रहा होगा ऊपर में, ये नया रोड बन रहा है, इससे थोड़ा टर्निंग लेके नीचे से न्यू ब्रिज बना के फिर आगे टुंग का तरफ ले जा रहा है। अभी तो आगे एक जो छोटा सा टुंग चेक पोस्ट बना के रखा है आगे में, ये जो गाड़ी देख ही सकते हैं पूरा जो साइड दे रहा है, एकदम छोटा जगह है, इसलिए टूरिस्ट व्हीकल शाम को 4 बजे छोड़ेगा। अभी जो ऊपर से आ रहा है रोड, अभी ये जो नया रोड बना रहा है यहाँ पर, जैसे यहीं पर टर्निंग लेके नीचे जाएगा और जो नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। तो मैं ये जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट करता कि हम लोग को क्यों इस रोड से चलने नहीं देगा। मेन वजह ये है कि छोटा रोड है और थोड़ा रिस्की भी है, पत्थर वगैरह गिर सकता है, अभी रेनी सीजन भी शुरू हो चुका है, इसलिए आप लोग को टूरिस्ट लोग के लिए सेफ के लिए चिप गियर होके घुमा के आपको आप लोग को लाचुंग का तरफ भेज देता है। तो लाचुंग से आते वक्त आप लोग इस रोड से आ सकते हैं, अगर आप लोग को रास्ता ठीक नहीं लग रहा है तो आप लोग चिप गियर होके भी घूम के आ सकते हैं। अभी मैं बराबर नदी पहुँचने वाला हूँ, नदी से जो हाइट है 300 से 400 हाइट का ऊपर में मैं, तो देख ही सकते हैं यहाँ पर पूरा नदी आ गया था, ये जो आगे वाला पत्थर पूरे लेके आया था जो फ्लैश फ्लड हुआ था। तो अभी मैं नीचे नदी का तरफ जा रहा हूँ, आप लोग को नदी भी दिखाऊंगा थोड़ा, वहाँ पर एक लकड़ी का ब्रिज बनाए, तो लकड़ी का ब्रिज होके आप लोग को फिर ऊपर ऐसे जितना अभी नीचे आऊँगा तो उतना ही ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा। तो लोग का अभी सेल्फी पॉइंट हो चुका है, कहीं भी रास्ते में खड़े होके ऐसे नदी का जो फोटो वगैरह खींचता है लोग खड़े होके, क्योंकि मज़ा लेते हैं, ये बार बार देखने नहीं मिलता है, बल्कि अभी नदी देख ही सकते हैं आगे में, जितना हम लोग नीचे जा रहे हैं उतना ही हम लोग को ऊपर पुराना रोड का तरफ जाना पड़ेगा। अभी ये जो रोड नहीं था, ये सारा ऐसे टेम्परेरी जो रोड बनाया हुआ है गाड़ी चलने के लिए, एमरजेंसी रोड, शाम को बारिश हो जाएगा यहाँ पर,
दिन में थोड़ा बहुत बारिश हो गया था, अभी थोड़ा क्लियर है। इस तरह अभी सुनने में आया कि गेंटो का तरफ बारिश हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं आप लोग को लाइव जल्दी जल्दी करूँगा, जल्दी जल्दी कट करूँगा, क्योंकि रास्ता आगे भी थोड़ा बहुत ख़राब है। मेरे को भी थोड़ा जल्दी जाके फिर जल्दी वापस आना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो इस रूट बंद हो गया तो मेरे को फिर चिप गियर घूम के जाना पड़ेगा। तो आप लोग को चिप गियर इसलिए बोल रहा हूँ, चिप गियर जो रोड है आपको बहुत चढ़ाई रोड है, 42 टर्निंग आप लोग को लेने का बाद ही आप लोग को ऊपर का जो लेवल मिल जाएगा टूंग चेक पोस्ट का। नहीं तो आप लोग को पूरा टर्निंग लेके चढ़ना ही पड़ेगा, नीचे टिस्टा नदी से लेके ऊपर आपको 42 टर्निंग आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा चिप गियर का रोड। तो ये रोड थोड़ा सीधा सीधा है, लेकिन आप लोग को ये रिस्क ये जो ऊपर देख ही सकता, पत्थर वगैरह कभी भी गिर सकता है, जो नदी देख ही सकता है अभी काला काला आ रहा है, पूरा काला नदी। अभी जो गाड़ी आ रहा है ऊपर से सारा लोकल पीपल का ही, पुलिस लोग का नहीं है। अभी ऐसे तो 4 बजे से देता है, लेकिन अभी लोग आया नहीं, क्योंकि जो 0 पॉइंट युमथांग वैली मनकटाव सारा घूम के आने का टाइम है, मैक्सिमम 4:30 से 5 बज जाएगा यहाँ आते आते, तो तब तक ये लोकल लोग भी सारा आगे निकल जाएगा। तो देख ही सकता है अभी नदी का कलर इस टाइप का दिखने मिल रहा है, शायद ऊपर में बारिश हो रहा होगा इसलिए काला काला आ रहा है। ऐसे तो अभी जितना भी जो नदी के आसपास में मिट्टी वगैरह है वो थोड़ा बहुत आने से बारिश आने से सारा लेके आ रहा है काला काला, मतलब नदी सारा पानी काला होके आ रहा है। मैं आप लोग को ऊपर जो मेन रोड है वहाँ तक ही दिखाऊंगा, क्योंकि जो लाइव इसलिए आया कि लोग बहुत कमेंट कर रहे कि आप एक बार गेंटोक का तरफ से दिखा दीजिए, बाइक वगैरह जा सकता कि नहीं, और गाड़ी वगैरह चलने के लिए जगह है कि नहीं, और किस टाइप का रोड है और कितना सेफ है, जाने के लिए सही है कि नहीं। तो जाने के लिए तो एकदम सही, आप लोग को चिप गियर से घुमा के ले जाएगा इस रूट से, फिर वापस आते वक्त इस रूट से ले जाएगा। अभी मैं देख ही सकते हैं जो लकड़ी का ब्रिज है, एक एक व्हीकल करके जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो टूरिस्ट का गाड़ी 200-300 आता था तो जाम हो जाएगा। तो अभी 2-3 व्हीकल है तब भी इतना स्लो चढ़ा है, देख ही सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है चढ़ने में, बारिश हो गया तो यहाँ ऊपर गाड़ी भी नहीं चढ़ेगा और बहुत ही डेंजर रहेगा, यहाँ से अगर गिर गया तो सीधा नदी में। तो मैं आप लोग को दिखा के ले जा रहा हूँ आगे की तरफ। आज का जो लाइव कैसे लग रहा है आप लोग शायद चैट करने का कोशिश करो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैट कर लेना, तभी आप चैट कर सकते हैं। तो मैं आपका जो स्क्रीन में जितना भी अभी जो कमेंट वगैरह कर आ रहा है, लेकिन मैं आप लोग को अभी नहीं बोलूँगा, बाद में जब दूसरा वीडियो बनाऊँगा दूसरा वीडियो में आप लोग का कमेंट वगैरह सभी बता दूँगा, क्योंकि मैं आप लोग का कमेंट के हिसाब से जो वीडियो वगैरह बनाता हूँ। वीडियो बनाना भी उतना ईजी नहीं रहता, अभी देख ही सकते इतना जो रोड में और लाइव खींच के और गाड़ी भी चलाना है, साथ में लोग भी है तो लोग भी डर जाएगा, इसलिए मैं बात कर करके आप लोग को समझा के दिखा के ले जा रहा हूँ आगे का तरफ। ये रोड एकदम ही ख़राब है, तो आगे का तरफ से नदी बड़ा होके आ गया है, तो इस तरफ गाड़ी चलते वक्त आ गया तो गाड़ी भी शायद ले जा सकता है, रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। आप लोग भी इस तरफ से ऊपर जाने का कोशिश मत करना लाचुंग का तरफ में, जितना हो सके चिप गियर से घूम के जाइए, फिर आते वक्त आप लोग इस रोड से आराम से जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 किलोमीटर है जो ख़राब रोड, 2 किलोमीटर आप नॉर्थ सिक्किम घूमने आ रहे तो 2 किलोमीटर ही रास्ता ये जो ख़राब है, तो 2 किलोमीटर रास्ता कट गया तो मतलब आपका टूर पूरा। अगर ये 2 किलोमीटर रास्ता अगर बारिश हो गया ज़्यादा हो गया बंद हो गया, अगर चिप गियर का भी रास्ता बंद हो गया तो आपका टूर ख़त्म। तो अभी मैं ऊपर हाईवे में निकालने वाला हूँ, ऊपर में JCB भी जा रहा है, थोड़ा लेट हो सकता है। वीडियो जितना हो सके मैं जल्दी करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को तो डेली देखना रहता है, हम लोग को आना जाना रहता है, हम लोग को कुछ भी नहीं होता। जो सिक्किम का लोग है वो भी देख रहे, तो उसको भी कुछ नहीं, सारा पहाड़ी एरिया है। लेकिन आप लोग जो प्लेन साइड से घूमने आते हैं, जैसे आप लोग गेंटोक से शुरू करेगा लाचुंग का तरफ, तो ऐसे रोड मिलेगा तो शायद आप लोग डर जाएगा। लेकिन यहाँ का जो हिल में जितना भी जो ड्राइव होता है, जितना भी जो ड्राइवर लोग होता है एकदम अच्छा से चलाता है, यहीं सीखना रहता है, यहीं चलाना रहता है और यहीं रहता है, सारा अनुभव याद होता है, मतलब चला सकता है गाड़ी आराम से, डरने का कोई बात नहीं आप लोग को। तो अभी ये JCB का वजह से थोड़ा गाड़ी स्लो हुआ है, नीचे का तरफ घुमा के दिखाने वाला था, लेकिन मैं स्टैंड में फिक्स करके रखा हूँ, क्योंकि बार बार निकालने से इधर हिले का जो, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोग को बाहर का तरफ। मेरा फ़ोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइव है, कभी भी फ़ोन आ सकता है। अभी जो मैसेज आ रहा था बस रहा था, मैं भूल गया था लाइव है, तो बाद में अगर फ़ोन वगैरह आ गया तो डिस्टर्ब वगैरह भी हो सकता है। अभी आगे में 2 गाड़ी है और JCB का वजह से थोड़ा जाम हुआ है, और टूरिस्ट का व्हीकल इस टाइम में अगर 100 से 200 व्हीकल आ जाएगा तो यहाँ पर 3 से 4 घंटा पक्का जो जाम हो जाएगा और आने जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ख़राब रोड में ऊपर से पत्थर भी गिर सकता है या जो नीचे भी जा सकता है रोड, क्योंकि रोड काचा रोड है। ऐसे जो टेम्परेरी जो रोड बनाया, जो मेन हाईवे नागा फॉल्स का ऊपर से बना रहा है, अभी नागा फॉल्स का बात बता जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग नागा वाटरफॉल्स देखने नहीं मिलेगा। नागा वाटरफॉल्स देखने के लिए रास्ता से नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि नागा वाटरफॉल्स का ऊपर से जो रोड बना रहा है। तो आप लोग को आते वक्त 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, एक तो मेंगोंग फॉल्स, एक तो भीमनाला वाटरफॉल्स, ये तीनों ही देखने मिलेगा आप लोग को। अभी फिलहाल लाचेन का भी रास्ता खुला है, जो लोकल पीपल लोग के लिए अभी ट्रायल के लिए जो रास्ता खुला है, टूरिस्ट लोग को जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और भाई लोग कमेंट कर रहा था लाचेन का रास्ता कब खुलेगा, वीडियो में बोला ही था, लास्ट तक देख रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ।
तो लाचिन का रूट अभी खुला है लोकल पीपल लोग के लिए, तो शायद अप्रैल लास्ट से शायद देगा टूरिस्ट लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बारिश हो गया तो कच्चा रोड गिर सकता है। अभी मैं मेन हाईवे में आ चुका हूँ, पहले का पुराना रोड ऐसे था, तो नॉर्थ सिक्किम आने के लिए बहुत ही ईजी था। रास्ते में फॉल्स वगैरह देख देखे मैक्सिमम आपको 4 से 5 बजे पहुँचता था लाचुंग वगैरह, अभी आप लोग को 5 से 6, 6 से 7 बजे भी पहुँच सकता है। कोई कोई दिन तो जाम होने का कारण से 12-1 बजे भी पहुँचता है। तो आज का वीडियो कैसे लाइक कमेंट कर देना, मैं वीडियो यहीं पर रखना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।